हेलो दोस्तों, मैं हूँ जॉन और मैं आज आपको महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बॉयलर ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम निकला है उसका फॉर्म किस तरह से भरना है उसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। तो ये जो फॉर्म है आपको महाबॉयलर, महाकामगार या फिर महाराष्ट्र बॉयलर बोर्ड इनके साइट पे जाके आपको ये डाउनलोड करना है। ये फॉर्म नंबर ए है, इसमें फ़ोटो का साइज लिखा है हॉरिजॉन्टल में 50 mm होना चाहिए और वर्टिकल में 65 mm होना चाहिए, मतलब 50x65 mm साइज है। और ये कलर फ़ोटो होना चाहिए और उसका जो बैकग्राउंड है ये वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। और ये तीन फ़ोटो लगेंगे, एक फ़ोटो यहाँ आपको चिपकाना है और दो लिफाफे के साथ में आपको भेजना है। तो इस फ़ोटो पे आपको साइन मारना है इसके ऊपर चिपकाने के बाद। और जो दो फ़ोटो भेजेंगे आप तो उसके पीछे नाम होना चाहिए आपका और आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि नेम इन फुल, तो आपको इसमें आपका फुल नेम लिखना है, लेकिन सरनेम आपका सबसे पहले आपका सरनेम, फिर आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, उसके बाद फादर नेम लिखना है, पहले सरनेम लिखना है, पहले सरनेम फिर आपके पिताजी का नाम और फिर उनके पिताजी का नाम, नेशनैलिटी इंडियन लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखना है, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ मतलब आपका जन्मस्थान लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है जहाँ आप परमानेंट आपका जो एड्रेस है वो लिखना है, और आपने यहाँ लिखा है वेदर अपीयर्ड इन एनी प्रीवियस एग्जामिनेशन, मतलब इसके पहले आप कोई एग्ज़ाम दिया है क्या ये बॉयलर बोर्ड का, महाराष्ट्र बोर्ड का? अगर दिया है तो यस लिखिए, अगर नहीं दिया है तो नो लिखिए। अगर समझो दिया है तो उसका डिटेल आपको लिखना है। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आप जो जो मतलब सेकंड क्लास पास होने के लिए 10वीं एग्ज़ाम मतलब 10th का एग्ज़ाम पास होना ज़रूरी है, तो आपने जो भी एग्ज़ाम पास किया है जैसे 10वीं हो 12वीं हो तो ये इसमें नंबर वाइज लिखना है, नंबर ऑफ सर्टिफिकेट एक नंबर देना है फिर दो नंबर देना है, ऐसा उनका क्लास कौन सा है फर्स्ट क्लास है वो लिखना है। और प्लेस मतलब आपको जो भी यूनिवर्सिटी होगा जो भी बोर्ड होगा उसका प्लेस लिखना है, वो जिस डेट में आपको सर्टिफिकेट मिला उसका डेट लिखना है। अगर उस कोई एग्ज़ाम में आपको सस्पेंड किया जाए या कुछ एग्जामिनेशन आपका कैंसिल हुआ होगा तो वो आपको लिखना है, अगर है तो उसके पूरा डिटेल में लिखना है वो कौन से डेट में हुआ था और क्यों हुआ था सस्पेंशन ये। उसके बाद आपको ये जो सर्विस सर्टिफिकेट है मतलब आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपको कंपनी से लेना है, अगर आप सेकंड क्लास के लिए फॉर्म भर रहे तो आपको फायरमैन का सर्टिफिकेट लेना है जिसको आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फायरमैन करके, अगर आप फर्स्ट क्लास के लिए बैठ रहे हैं तो आपको सेकंड क्लास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जो भी सर्विस सर्टिफिकेट आप जोड़ रहे हैं तो उसका फॉर्मेट मैं आपको नेक्स्ट इसमें बताऊंगा। तो ये जो सर्विस सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं इसमें पहला इसमें लिखा है कि सीरियल नंबर ऑफ टेस्टिंग, मतलब जो भी सर्विस सर्टिफिकेट जितना दिल रहे तो 1 नंबर 2 नंबर लिखिए, फिर वो सर्विस सर्टिफिकेट आपको कौन से डेट में दिया है वो लिखिए उसका डेट, और किन्होंने दिया है उनका डेट, उसका नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनका साइन हुआ होना चाहिए, जो आप साइन कर रहे हैं उनका नाम और उनका डेजिग्नेशन चाहिए, जैसे कोई जीएम है आप जीएम से कोई साइन ले रहे हैं या फिर कंपनी के मालिक है तो उनका नाम रहना चाहिए और वो उनका डेजिग्नेशन रहना चाहिए, फिर उसके बाद जो भी कंपनी है उसका नाम रहना चाहिए और उसका पूरा एड्रेस रहना चाहिए जहाँ पर आप काम कर रहे हैं सर्टिफिकेट ले रहे उस सर्टिफिकेट पर, ठीक है। उसके बाद आप जिस बॉयलर पे काम कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, वो कौन से टाइप का है, FBCA CFBCA या फिर फायर ट्यूब बॉयलर है, उसके बाद उसका हीटिंग सरफेस एरिया लिखना है और फिर उसका डेजिग्नेशन लिखना है। तो ये हो गया फॉर्म ए के बारे में। उसके बाद लिखना है कि समझो आपने सर्विस सर्टिफिकेट जमा किया है, तो लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका बीच में गैप भी पड़ा होगा, तो इसमें क्या है कि जो टर्मिनेशन मतलब आपका जो गैप लिखा है ये इसमें गैप में लिखना है और जो भी सर्विस पीरियड आपका काउंट होगा इसमें काउंट करना है। तो समझो आपके पास सर्टिफिकेट जो है वो 2 साल का सर्टिफिकेट है तो ये 2 साल का सर्टिफिकेट का पीरियड लिखना है, अगर 2 महीने में आपको सर्विस मतलब सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पीरियड आपको यहाँ नो सर्विस सर्टिफिकेट के इसमें देना है, ठीक है। तो ये कितने मंथ का है, कितने ईयर का है, कितने डे का है ये आपको भरना है, और आगे का जो है इनिशियल ऑफ वेरीफायर
और रिमार्क, ये सब बोर्ड के आदमी भरेंगे, तो इसके लिए आपको ये नहीं भरना है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है, ये डिक्लेरेशन लिख के देना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है कि नहीं, उसमें डेट लिखना है और आपका साइन करना है और प्रेजेंट जो एड्रेस जहाँ का है वहाँ लिखना है। उसके बाद नोट में यहाँ दिया है कि जो एप्लीकेशन है वो उसमें फ़ीस आपको जमा करना है। अगर आप सेकंड क्लास के लिए बैठ रहे तो 300 रुपये फ़ी है और फर्स्ट क्लास के लिए बैठ रहे तो 500 रुपये फ़ी, और ये फ़ी है जो ऑनलाइन आपको जमा करना है गवर्नमेंट ट्रेजरीज बाय ई पेमेंट के थ्रू। और ये ईमेल आईडी दिया है www.gras.mahakosh.government.in, ये वेबसाइट पे जाके आपको पेमेंट करवाना है। आपके जो भी दो फोटोग्राफ थे उसमें वो एप्लीकेशन के साथ फिर उसमें दोनों फ़ोटो भेजना है, ठीक है। तो उसके बाद है फॉर्म नंबर वी, ये आपको भरना नहीं है, बोर्ड के लिए है, ठीक है। तो आपको फॉर्म नंबर ए से लेके फॉर्म नंबर 4 तक पता चल गया, ठीक है। उसके बाद आपको ये प्रपत्र बी करके भरना है, तो ये मतलब आप सेफ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आपको भरना है। तो यहाँ पे आपका फ़ोटो लगवाना है, यहाँ पे लिखना है मैं, मतलब आपका नाम, फिर उसके बाद आपके पिताजी का नाम और आपका जो एज है वो लिखना है, आपका आधार कार्ड नंबर लिखना है और आप क्या कर रहे हो वो लिखना है और आप कहाँ पे रहते हैं वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे साइन करना है, आपका नाम लिखना है और जो प्लेस है उसके बाद वहाँ डेट लिखना है। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए वो सही है, इसके लिए है। उसके बाद आपको मेडिकली फिट है कि नहीं, उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेना है, तो यहाँ पे डेट लिखना चाहिए और जो भी गवर्नमेंट का डॉक्टर होना चाहिए और जो डॉक्टर है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टैम्प और रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है, आप अगर बॉयलर अटेंडेंट ये क्लिक होना चाहिए और आप फिट है करके, ये दो चीज़ वहाँ पे होना चाहिए। तो जो डॉक्टर है उनका नेम, सिग्नेचर, उनका डेजिग्नेशन, उनका रजिस्ट्रेशन और ऑफिस का सील वहाँ पे मतलब स्टैम्प होना चाहिए। तो ये मेडिकल आपको बहुत ज़रूरी है, मेडिकली फिट रहना चाहिए करके, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपको फॉर्म के साथ जोड़ना है। उसके बाद आता है कि जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो उसका ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में ही आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसमें लिखा है कि आपका नाम रहेगा और डेट रहेगा आपका सर्विस सर्टिफिकेट का कि कब तक कहाँ से कहाँ दिया है और आप किस पोस्ट पे काम कर रहे, फायरमैन है या फिर सेकंड क्लास से, वो आपको यहाँ लिया जाएगा। फिर आप जो बॉयलर है आपका, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसका बॉयलर का टाइप कौन सा है, एफबीसी या सीएफबीसी वो लिखा होना चाहिए, उसका हीटिंग सरफेस एरिया होना चाहिए और प्रेशर कितना है वो लिखा होना चाहिए। अगर आप शुगर इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, मतलब साकर कारखाने में काम कर रहे हैं, तो हंगामी का वर्ष मतलब क्या है, वहाँ पे 6 महीने चालू रहता है, 6 महीने बंद रहता है। तो जब चालू रहेगा उसमें का ये जो सर्विस सर्टिफिकेट डेट लिखना है और इसमें बाकी का जो बंद रहता है उसका लिखना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में साइन होना चाहिए आपका बीओई का या फिर फर्स्ट क्लास का या फिर विभाग प्रमुख का साइन होना चाहिए, उनका पूरा नाम वो पोस्टिव पे है और वहाँ स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद मालक या फिर जीएम का आपका उनका नाम, उनका कौन से पोस्ट पे है, मालक है या फिर जीएम है, उनका साइन और फिर वो स्टैम्प होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि जो भी आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ले रहे हैं उसका स्टैम्प होना ज़रूरी है और उसके बाद वो जो सर्विस सर्टिफिकेट वो कंपनी के लेटर हेड पे ही लेना है और वो आपके जो डिपार्टमेंट के हेड या जीएम है उनके साइन किया हुआ ही रहना चाहिए, ठीक है। और ये जो सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास के लिए क्या क्या मतलब कंडीशन है आपको ये इसके बारे में बताता हूँ। तो सेकंड क्लास जो भी बैठ रहे हैं तो उनका जो एज है वो 18 साल कंप्लीट होना चाहिए और फर्स्ट क्लास के लिए 20 साल कंप्लीट होना चाहिए और उन्होंने 10वीं एग्जाम पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आप सेकंड क्लास के लिए भर रहे तो फायरमैन का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप फिटर भी है, बॉयलर में काम कर रहे हैं, तो आपका 3 साल का फिटर का एक्सपीरियंस चाहिए और 1 साल का फायरमैन का एक्सपीरियंस चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू वो आईटीआई की इसमें भी अगर ये कर रहे हैं तो आपका 50 लीटर का बॉयलर का ये चाहिए, बॉयलर की कैपेसिटी और उसका प्रेशर चाहिए 7 kg, तो ये भी आप भर सकते हैं, ठीक है। और
ये भी जो मैंने जब भी बताया था कि आपका जो फोटो का साइज है वो 65x50 mm, मतलब वर्टिकल में 65 और हॉरिजॉन्टल में 50 mm होना चाहिए, कलर फोटो होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और पीछे में नेम एंड साइन होना चाहिए। दो फोटो आपको वो जो भी आप अर्ज वहाँ जोड़ेंगे उसके साथ आपको भिजवाना है लिफाफे में साथ। सेकंड क्लास के लिए 300 फीस मैंने बताया कि, और ये वेबसाइट है इसमें जाके आप ई पेमेंट के थ्रू आपको भरना है। उसका जो जो भी पैसा भरेंगे आप, चालान भरेंगे, उसको उसका जो मूल प्रत है वो आपको वो अर्ज के साथ जोड़ना है, ठीक है। और जो भी आपको, आप भारतीय नागरिक है कि नहीं है, उसके लिए आपको लोग दाखिला देना है, वो गवर्नमेंट के ऑफिस से लिया होना ज़रूरी है। आपको 10वीं का भी मार्कशीट जोड़ना है, उसका TC जोड़ना है और सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जब भी मैं बताया वो भी आपको जोड़ना है, और जो भी आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया है वो भी आपको इसके साथ अर्ज के साथ जोड़ना है। और जो जो भी आप अर्ज जोड़ेंगे उसको, तो वो जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट रहेंगे जब आपको मुलाकात के लिए आएंगे तो आपको वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाना है, ठीक है। तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप ले प्रॉपरली डॉक्टर का होना चाहिए। और उसके बाद आपको जो सभी डॉक्यूमेंट जोड़ के ये जो फॉर्म है वो आपको संचालक बाष्प के संचालनालय महाराष्ट्र राज्य कामगार भवन 7वां मजला प्लॉट क्रमांक C20 ब्लॉक E वांद्रे कुर्ला संकुल वांद्रे पूर्व मुंबई 40051 ये एड्रेस पे आपको आपका फॉर्म सबमिट करना है। और आपको कुछ दिनों के बाद फिर क्या होगा कि आपको हॉल टिकट आ जाएगा। अगर समझो किसी किसी को हॉल टिकट नहीं आया तो फिर आपको कंपनी के इससे आपको लिख के लेना है कि हम एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं और वहाँ का सर्टिफिकेट वहाँ एग्ज़ाम के लिए देना है। तो ये सेकंड क्लास के लिए हो गया कि सेकंड क्लास के लिए भरने के लिए क्या क्या ज़रूरत है, ये आपको पढ़ना है अच्छे तरीके से जो मैंने आपको यहाँ बताया। वैसे फर्स्ट क्लास के लिए भी जो एज का लिमिट है वो 20 साल है, जैसे सेकंड क्लास के लिए 18 होना चाहिए तो फर्स्ट क्लास के लिए 20 साल होना चाहिए, ठीक है। और फर्स्ट क्लास के लिए बैठ रहे तो आपके बॉयलर की जो हीटिंग सरफेस है वो 50 m² से ज़्यादा होना चाहिए, और 2 साल का सेकंड क्लास का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब सेकंड क्लास होने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपको जो फॉर्म भरते वक्त जो आपको पेमेंट करना है वो फर्स्ट क्लास के लिए 500 रुपये और सेम ईमेल आईडी है आपको उसमें भरना है। आपको इंडियन नेशनलिटी का प्रूफ भी देना है गवर्नमेंट के इससे। जब भी मैंने सेम सेकंड क्लास के लिए जितने डॉक्यूमेंट जोड़ने के लिए बोला है सेम वैसे भी फर्स्ट क्लास के लिए ही जोड़ना है, और ये सेम एड्रेस पे भेजना है। तो आपको जो फॉर्म भेजना है वो 11/4/2022 से पहले भेजना है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज़रूरी है, आपको फॉर्म भरने से पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से। अगर आपको दोस्तों इसमें कुछ भी डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।